एक बार एक मजदूर होता है, मजदूर जानते हो ना, yes, sir. घर बनाते हैं, तो एक बिल्डिंग वाला होता है, वो अपने यहाँ एक मजदूर को रखे होता है और वो मजदूर उसके बहुत सालों से उसके यहाँ काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये घर बन रहा है पीछे, तो इसमें इसका एक ठेकेदार होगा, उसके काम करने वाले वर्कर होंगे। तो एक वर्कर था, वो हमेशा एक ही ठेकेदार के यहाँ कई सालों से काम कर रहा, बहुत सालों से, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा, बहुत लगन से अपना काम करता था। और सोचने वाली बात है कि जब वो 18 साल का था, मतलब यंग था, तब से उसके यहाँ काम कर रहा था, और जब वो बूढ़ा होने वाला था तब तक उसके यहाँ काम कर रहा था। फिर जब वो बूढ़ा होने वाला था, उससे ज्यादा काम होता नहीं था, तो उसने अपने ठेकेदार से बोला कि साहब अब मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, मतलब अब मैं काम नहीं करूँगा। वही है क्या कि उसने कहा कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, कि अब मुझसे काम होता नहीं है और बहुत काम कर लिया, अब मैं आराम करूँगा, बच्चे मेरे बड़े बड़े हो गए हैं, वो लोग कमा रहे हैं। तो ठेकेदार ने कहा कि भाई एक काम और कर दो मेरा, बस एक आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मन तो नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसने कह दिया ठीक है कर देता हूँ। कहा कि एक ये मकान बनाना है, इस मकान को कंप्लीट कर दो, उसके बाद गुड इवनिंग। क्या कहा कि एक मकान बनना है, इसको कंप्लीट कर दो और इसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो उसने कहा ठीक है, और वो मकान बनाने लगा। लेकिन उसको इतनी जल्दी थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब छुट्टी चाहिए मुझे, तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने जल्दी जल्दी मकान बनाया, फटाफट मटेरियल मंगवाया, अरे डालो यार, एक मैंने सोचा था कि अब मेरी छुट्टी हो जाएगी, एक काम और दे दिया, फटाफट बनाओ इसका लेंटर ऐसे डालो, फटाफट डालो, और जल्दी से जल्दी उसने उसको कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद वो अपने मालिक के पास गया और बोला कि साहब आपने मुझे मकान बनाने को दिया था, मैंने बना दिया है, बढ़िया पूरा बन गया है, ये लो चार, ये लो चार। तो उसके मकान का जो ओनर था, मालिक था, जो उसका मालिक था, उसने कहा कि ये जो चाबियां मुझे दे रहे हो, ये मकान तुम्हारे लिए ही है, और ये लो तुम इस मकान की चाबी, आज से ये मकान तुम्हारा, तुमने मेरे लिए इतना काम किया, इतनी तुमने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, और ये मकान मैं तुमको गिफ्ट। और जब उसे वो चाबी मिली तो वो रोने लगा। क्यों रोने लगा? नहीं खुशी के नहीं, दुख के आंसू, क्योंकि वो उस मकान को उसने जल्दबाजी में बनाया, वो चाहता तो उस मकान को बहुत अच्छा बना सकता है। उसी इस चीज का अफसोस था कि बताओ जो चीज मुझे मिलनी थी वही मैंने बेकार बनाई, बाकी पूरी जिंदगी अच्छा काम करता रहा, लास्ट टाइम पे मैंने इसको जल्दबाजी में बनाया और पूरा बिगाड़ दिया, चाहता तो और अच्छा बना सकता। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती कि हमें हमेशा जिस निष्ठा, जिस ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, उसी निष्ठा, उसी ईमानदारी से हमको अपना काम करना चाहिए। वो पढ़ाई हो या कोई काम हो या आपको कोई कला आती हो, ठीक है, हमेशा उसी ईमानदारी और उसी तरीके से काम करना चाहिए जो आपके अंदर, जो उसके एथिक्स हैं, जिस तरीके से वो काम होता है। अगर उसने उस तरीके से काम किया होता तो आज वो बहुत खुश होता कि मैंने अपना मकान बहुत अच्छा बना दिया। कैसी लगी कहानी?